कमजोर विद्यार्थी टॉपर की तैयारी कैसे करे, आखिर इस साल कमजोर विद्यार्थी भी टॉपर कैसे बन सकता है। ये कमेंट में सुन सुन कर मेरा दिमाग पक गया था। बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर मैं कमजोर हूँ पढ़ने में, फिर भी मेरा सपना है टॉपर बनने का। तो बाबू आज का जो वीडियो होगा ना कमजोर विद्यार्थियों के लिए है, जो कमजोर विद्यार्थी आखिर वो टॉपर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, टॉपर कैसे बन सकते हैं इस साल। देखो सबसे पहली बात है, कमजोर विद्यार्थी को सबसे पहला काम करनी चाहिए कि उनको पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनानी चाहिए। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं तो आप कदापि टॉपर नहीं बन पाओगे। अच्छा आप कमजोर है तो बिना पढ़े क्या टॉपर बन पाएंगे? नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा हर हालत में। तो सबसे पहली बात है, जितना भी आपका टाइम, जितना दिन का भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, पहले उसका टाइम टेबल सेट करिए। और हर विषय पर आपको टाइम टेबल सेट करना है। आधे घंटे ही रोज सेट करें कि एक विषय पढ़े, मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स पर आधे घंटे, केमिस्ट्री पर आधे घंटे, मैथ पर आधे घंटे, उसके बाद आपको बायोलॉजी पर आधे घंटे, इतिहास पर आधे घंटे, मतलब ऐसा टाइम आपको सेट करना है कि हर विषय पर आधे घंटे या एक घंटे या डेढ़ घंटे आप टाइम दे सके। पहले आपको टाइम टेबल बनानी होगी पढ़ने के लिए। दूसरी बात है, जो टाइम टेबल बनाया उसके अनुसार पढ़ने की आदत लगाइए। पढ़ने की आदत मतलब रुचि जगाने का काम करिए पढ़ाई में। जब तक आपका पढ़ाई में रुचि नहीं जगेगा तब तक आप टॉपर की तैयारी नहीं कर सकते, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, और जब तक मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। तो दूसरी बात आपको यही करनी है कि पढ़ने की आदत, यानी पढ़ने की आदत आपको लगानी है। टाइम टेबल बनाकर आपको अनुशासित हो जाना है कि नहीं अब मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, यानी आपको पढ़ने की आदत लगानी है। उसके तीसरी बात है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े, जो भी सब्जेक्ट पढ़े पूरी फोकस के साथ पढ़े। यानी मान लो कि एक आधे घंटे पढ़ेंगे लेकिन फोकस के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, और मान लो एक ही घंटा पढ़ेंगे लेकिन फोकस के साथ पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब हर सब्जेक्ट पर पूरा फोकस के साथ आपको पढ़ना होगा। देखो पढ़ने की जब आदत लग जाएगी तो अपने आप आपका फोकस बनना शुरू हो जाएगा। और चौथी बात है, हर विषय का रिविजन जबरदस्त करना है। जितना ज्यादा रिविजन करेंगे उतना ज्यादा आप मजबूत हो जाएंगे। मैथ है तो मैथ का रिविजन पूरा करिए, जितना पढ़ लिए सबका रिविजन करते रहिए एकदम। आप उसका वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट या दो दिन के बाद टेस्ट ले सकते हैं, अपना टेस्ट लेते रहे, रिवीजन करते रहे हर विषय का, जितना पढ़े उसका रिवीजन करते रहे, ठीक है ना। रिवीजन जितना करेंगे उतना मजबूत होंगे। लेकिन रिवीजन के देखो तीन फायदे होते हैं, एक तो जिसका रिवीजन करे वो आपको याद हो जाएगी, दूसरी बात आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी, और तीसरा आपको लिखने का स्पीड मेंटेन हो जाता है। तो जब भी रिवीजन करें तो सुंदर राइटिंग के साथ लिखे। उसके बाद जो प्रश्न आप मान लीजिए हर सब्जेक्ट आप फोकस के साथ पढ़ रहे हैं और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है उसका क्या करना, आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाते चलिएगा तो एग्जाम के समय जो है ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो बस ये पांच काम करते चलिए कमजोर विद्यार्थी, आप टॉपर आराम से बन सकते हैं, यानी आपका टॉपर की तैयारी आसानी से हो जाएगा। पहला काम टाइम टेबल बनाइए, एकदम आधे घंटे का बनाइए, हर विषय पर बनाइए टाइम टेबल, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ने की आदत धीरे धीरे रुचि उसमें जगाइए। तीसरी बात है, हर सब्जेक्ट को फोकस के साथ पढ़िए। और चौथी बात है, रिवीजन ज्यादा मात्रा में करना, भले चार घंटा सब सब्जेक्ट को मिलाकर पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन कम से कम तीन घंटे, चार घंटे, पांच घंटे, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करें। और उसके बाद जो चैप्टर्स आप पढ़े उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है प्रश्न उनका नोट्स बनाते चले। ये अगर पांच तरीका अप्लाई करता है तो कमजोर विद्यार्थी भी इस साल टॉपर की तैयारी कर सकते हैं और आप भी टॉपर बन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से हम कुछ सीखे हैं ना, तो रियलिटी में इस वीडियो को भारत के हर कोने तक फैलाइए जहां तक कमजोर विद्यार्थी और उनका सपना है टॉपर बनने का, यानी हर टॉपर बनने वाले विद्यार्थी तक मेरी आवाज को पहुंचाइए। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या पर्सनली कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं या आपका जो डाउट है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, यहां से संपर्क करें और अपने हर डाउट को क्लियर करें। जय हिंद।